वाल्मीकि समाज के आराध्य देव वीर गोगादेव का जन्मोत्सव वाल्मीकि समाज द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समाज की विभिन्न बस्तियों से निकले आकर्षक छड़ी निशान व चलित झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। राजबाड़ा जनता चौक पर वाल्मीकि संगठन के निर्णायक कमेटी मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा, पवन वर्मा, विनय बाकलीवाल, मनोहर धवन, पार्षद दल नेता चिंटू चौक से, राजेश चौक से, गिरधर नागर आदि उपस्थित थे। वाल्मीकि युवा संगठन अध्यक्ष चौधरी लीलाधर करोसिया सुधीर डागर ने बताया कि प्रथम पुरस्कार भूरा भगत जूना रिसाला के आकर्षक छड़ी निशान को दिया गया। उन्हें केदारनाथ मंदिर का मॉडल सौंपा गया। यह मॉडल 1.01 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। द्वितीय पुरस्कार वीरू भगत और गोलू भगत के छड़ी निशान को संयुक्त रूप से दिया गया। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार वरिष्ठ जमींदारी पंचायत उषा फाटक के निशान के सेहरा कटिंग विशाल हेमराज कप्तान को दिया गया। इसी प्रकार झांकियों में प्रथम पुरस्कार महावाल्मीकि पंचायत प्रचेता गोहर परदेशीपुरा, द्वितीय पुरस्कार महावाल्मीकि पंचायत गाडरा खेड़ी और तृतीय पुरस्कार मोहन मंडल छावनी के प्रदीप मेलाने को इस झांकी को दिया गया। वाल्मीकि युवा संगठन के मंच से हर वर्ष माननीय सज्जन वर्मा जी के हाथों प्रथम पुरस्कार के रूप में देश की प्राचीन चीजों में से एक बड़ा इनाम उसका प्रतीक चिन्ह बनाकर दिया जाता है। इस बार माननीय सज्जन वर्मा जी के आग्रह पर, क्योंकि दो वर्ष का श्रावण मास था, पूरा देश शिव भक्तिमय था, तो माननीय सज्जन वर्मा जी के आग्रह पर केदारनाथ मंदिर का मॉडल बनाया गया और गोगादेव जी के प्रथम निशान को ये माननीय सज्जन वर्मा जी के हाथों दिया जाए। गोगादेव जी सामाजिक समरसता के प्रतीक रूप में आपके मंच पर राजनीतिक समरसता, वीर गोगादेव जन्मोत्सव पर इस धार्मिक मंच पर सामाजिक समरसता समभाव के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। सर्व धर्म सर्व समाज के लोग इस मंच पर आते हैं। देखिए, हर वर्ष गोगादेव नवमी हम इतने उल्लास के साथ मनाते हैं। आप देख लीजिए, कहीं राजबाड़े पे पैर रखने की जगह नहीं है। लीलाधर करोचा मित्र मंडल का मंच राजबाड़ा के इस दिल की जगह लगता है और सर्वधर्म संभाव केदारनाथ जी का मंदिर प्रथम झांकी को, प्रथम निशान को दिया जाएगा। ये दर्शाता है कि हर धर्म हर मजहब को हम एक साथ मानते हैं, कहीं भेदभाव नहीं है। गोगादेव के सारे लोग आराधना कर रहे हैं। इधर केदारनाथ जी भगवान की जो प्रतिकृति है मंदिर को आप देखें, और लीलाधर करोसिया के नेतृत्व में ये मंच हमेशा सद्भावना बिखारता रहता है। इस मंच पे हम लोग तो हैं ही, हर दल का नेता आता है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यही बात है कि जिन लोगों ने मेहनत की है, परिश्रम किया है, अपनी संस्कृति को जीवित रखा है सुविधाओं के अभाव में भी, उनकी मेहनत उनके परिश्रम को उसी स्थान पे जाके देख के चयन किया है कि कौन प्रथम है, कौन द्वितीय, कौन तृतीय, सही आकलन उसी समय होता है। इतनी भीड़ में आप आकलन नहीं करते। ग्रामीण भारत टीवी के लिए इंदौर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।